श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड। सुंदरकांड के प्रारंभ में ऐसे रघुनाथ जी की वंदना करी है जो जीवन में शांति प्रदान करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण बजा के प्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदं ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सैद्यमनिशं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वंदेहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणि। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलांतरात्मा। भगवान की पहले जय जयकार करी और फिर मांगा है कि मेरे मन में इसके सिवाय और कोई भी इच्छा नहीं है। आप मेरे अखिल मन को जानने वाले हैं, इसलिए मैं सत्य कहता हूं। मुझे एक ही वस्तु चाहिए महाराज। भगतिम प्रयच्छ रघुपंगव निर्भरान में। मेरे जीवन को आप अपनी अपार भक्ति से भर दो, लेकिन भक्ति देने से पहले कामादि दोष रहितं कुरुमान संचर। मेरे जीवन को पहले कामनाओं और वासनाओं से खाली करो और फिर उसमें अपनी अपार भक्ति दो, ताकि मेरे जीवन में शांति हो। ऐसी प्रभु से मांग करी है। श्रीमन नारायण नारायण करनी हो, कृष्ण की करनी हो, मां अम्मा की करनी हो, शिव की करनी हो, सदगुरु की करनी हो, अथवा तो किसी भी पंथ में जाना हो, किसी भी पंथ में रहो, भक्ति भक्ति होती है। रघुपति राघव राजा ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। केवल चाहिए क्या? सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। सबको सन्मति दे भगवान। हमें सहारा तेरा राम। हमें सहारा तेरा। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय श्री राम जय जय
हनुमान जी की वंदना करी। अतुलित बल धामम एम शैलाभुदेहम तनुज बन कृसानम ज्ञान नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमः। श्री हनुमान जी को प्रणाम किया। भगवान से भक्ति मांगते मांगते फिर हनुमान जी को प्रणाम किया है। क्यों किया? इसलिए किया कि हनुमान जी राम भक्ति के द्वारपाल हैं। बिना हनुमान जी की आज्ञा के, बिना हनुमान जी की कृपा के कोई भी जीव भक्ति मार्ग में प्रवेश नहीं प्राप्त कर सकता है। राम द्वारे तुम रखवारे, राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। इसलिए हनुमान जी की वंदना करी। हनुमान जी का आश्रय करने से जीवन के दुख समाप्त हो जाते हैं, समाप्त नहीं होते, भुला जाते हैं, दुख आते जाते रहते हैं, जीव को पता ही नहीं चलता। हर क्षण, हर पल और हर परिस्थिति आनंदमय हो जाती है। तुम्हारे भजन राम को पावे, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। हम और आप सब जन्म जन्मांतर के दुखों के बंधन में बंधे हुए हैं, कामनाओं और वासनाओं के बंधन में बंधे हैं, इसलिए दुखी हैं। और हनुमान जी का आश्रय करने से क्या नहीं मिलता? बंदी बंधन मुक्त हो जाता है। छूटई बंदी महा सुख हो, जीव को सुख नहीं महासुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि बंधन से मुक्त, सुख में बंधन भी हो सकता है लेकिन जीव को महासुख की प्राप्ति तब होती है जब जीव बंधन मुक्त हो जाए। इसलिए हनुमान जी से प्रार्थना करें, हे प्रभु आप सदा सदा हमारे हृदय में विराजित रहो। जय नाथ हृदय महतेरा, जय नाथ हृदय महतेरा, जय नाथ हृदय महतेरा, जय नाथ हृदय। और हनुमान जी की जय जयकार करी। हम और आप सब भी यहाँ पर जहाँ जहाँ राम कथा गाई जाती है वहाँ वहाँ पर श्री हनुमान जी नतमस्तक अश्रुपूरित नैनों से सदैव उपस्थित होते हैं, इसलिए इस जगह पर भी हनुमान जी कहीं न कहीं पर किसी न किसी रूप में उपस्थित हैं। हम और आप सब भी कथा में प्रवेश करने से पूर्व उनके चरणों में प्रणाम कर लें, यानी राम राम कर लें। जय 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 हनुमान जी, राम राम, जय 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 हनुमान जी, राम राम, जय 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 हनुमान जी, राम राम, जय 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 हनुमान जी, राम राम। सोने के सिंहासन पे बैठे मेरे राम जी, सोने के सिंहासन, सब गाइए, केसर तिलक लगाए मेरे राम जी।
राम लाल सिंदूर हनुमान जी राम राम तो जय 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 हनुमान जी राम राम जय 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 हनुमान जी राम 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 पीला पीतांबर पहरे मेरे ताली बजा के भावे राम राम फल और मेवा खाए मेरे राम जी फल और मेवा खाए मेरे राम जी तटवन का भोग हनुमान जी राम राम तटवन का भोग हनुमान जी राम राम जय 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 हनुमान जी राम राम जय 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 मुक्ति के दाता है मेरे राम जी मुक्ति के दाता है मेरे राम जी भक्ति के दाता हनुमान जी राम राम 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 जय 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 सारे जगत के मालिक मेरे राम जी सारे जगत के मालिक मेरे राम जी इति हमरे तो मालिक हनुमान जी राम राम हमरे तो मालिक हनुमान जी राम राम जय हनुमान 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 हनुमान जी समुद्र के तट पर खड़े हैं बार बार लंकापुरी जाने के लिए गर्जना कर रहे हैं जामवंत जी की बातें सुनी हनुमान जी को अच्छी लगी जामवंत के वचन सुहाए सुने हनुमंत हृदय अति भाए तब लगे मोय पर तुम भाई सही तुम जब लगे आमती सही देखी भई है काज मई हर चमचे की जय गए सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़े ताऊ पर बार बार रघुवीर सवारी जही गिर चरण गई हनुमंता चले सुगा पाताल तोरंता रघुपति कर बनाई चले जलन दे रघुपति दूत बिचारी तय मैना को हो शमहारी जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम हनुमान ते परसा कर मुनि कीन्ह प्रणाम राम काज के है बिना मोह का विश्राम जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जात पवन सुख देवन देखा जाने कौ बल बुद्धि विशेखा सुरसा राम अहिर के माता पटेल आए कई कई बाधा आज सुरन मै दीन आहारा सुनत वचन कहे पवन कुमारा राम कार्य कर फिर मैं आओ सीता कह तुर प्रभु सुनाओ तब तब बदन बैठ यहो आई सत्य कहो मैं जान दिवाई कवन वचन दे नहीं जाना कदन मोहि कहे हनुमाना जो जन भर कई पदन पसारा कपितन कीन दुगुन बेसारा सोरा जो जन मुख दे गयो तो तुम सदवर्ती जस जस सुरसा बदन बढ़ावा सात दोन कपि रूप दिखावा सदियो जन ते आनन कीना अजगर रूप पवन सुत लेना बदन पेट पने बाहर आवा मांगा विदाता ही सिर नावा
हनुमान जी ने 100 योजन का शरीर बढ़ाया। जब देवताओं ने सुरसा माँ को बल और बुद्धि की परीक्षा के लिए भेजा, हनुमान जी परीक्षा में सफल हुए। पहले 100 योजन का शरीर बढ़ा करके अपने बल का प्रदर्शन किया, फिर बिल्कुल छोटे बन गए, ये बुद्धि का प्रदर्शन किया। संसार में जो संपदा और प्रभुता प्राप्त करने के बाद, बड़ाई प्राप्त करने के बाद छोटा बनकर के विनम्र भाव से जीवन जीता है, उसी को जगत में आशीर्वाद प्राप्त होता है। हनुमान जी को पहला आशीर्वाद प्राप्त हुआ। बस जीवन में कर्म ऐसे करो कि जगत में सबसे आशीर्वाद मिले। सुंदर कांड का सूत्र, राम काज सब करी यहो तुम बल बुद्धि निधान। कही चाह सकसो न उड़ाई, ऐ विधि सदा गगन चरखाई। स्वयं हनुमान कर बिना ताजु कपट कर तो चेहरा। ताहि मारि माधव सुत पीरा, बाजि पर गयो मत धीरा। तहाँ जाय देखी वन शोभा, गुंजन चंद्र एक मन लोभा। नाना तर फल फूल सुहाए, खक मृग वृंद देख मन भाए। शैल विशाल देवी व्यागे, तापर धाय चढ़ो जो काले खाई। के पर चढ़ लंका दही लेके, कहीं न जाए अति दुर्गम तेजी। पत को संग जल निज चौपासा, करक कोट कर परम प्रकाशा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। गुरु जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। हनुमान जी सिंहिका को मार करके लंकापुरी पहुंच गए। एक शिखर के ऊपर खड़े हुए, पूरी लंका का दर्शन किया। रावण की सोने की लंका कितनी सुंदर नगरी है, गोस्वामी जी ने वर्णन किया, हनुमान जी ने दर्शन किया। हम और आप सब इस कथा के माध्यम से रावण की लंका का जरा दर्शन करें। कनक कोटि विच रमण कृत सुंदर यतना घना, गज बाज खच्चर निकर पद चर दस बलो धनि कौ कने। रूप निचर होते अति बल चैनवर्णत नहीं बने। वन बागोप वन पाठ का सर कूप वापी सो हरि। नर नाग दुर्ग धर्म कन्या रूप मुनि मन बोली। बहुमाल देह विशाल शैल समान अति बल गर्ज हे। नाना तुलसीदास इनके कथा कथ कहे कहीं। रघुवीर पर जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हनुमान जी ने चारों तरफ से लंका को घूम करके देखा, अंदर प्रवेश करना मुश्किल। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन की न विचार। अति लघु रूप धरो निति, नगर करो ऐसा। हनुमान जी ने मच्छर से भी छोटे रूप में रात्रि में लंका में प्रवेश करने का निर्णय किया। मसक समान रूप कपि धरि, लंका चले सो मेरे नर हरि। नाम लंकनी एक निसि धरि, सो कहि जल से मोहि जाम। नहीं नहीं मरम सट मोरा, मोर आहार जहाँ लगे चोरा। मुट्ठी का एक महाकपिहरी, रुधिर हनुमान जी ने एक मुष्ट का प्रहार करके लंकनी की बुद्धि
बुद्धि को दीक्षित किया। जब बुद्धि दीक्षित हुई तो लग्नी हाथ जोड़ करके खड़ी हुई, पुनि संभारी उठी सोलंका, जोरी पानी कर विनय सलंका। जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, चलत विरच कहा मोहि चीना। विकल होती ते कपि के मारे, तब जान सीने से चर संहारे। सात मोर अति पूर्ण बहुता, देख हो नै लंकनी के। जब मुष्टिका प्रहार होकर के बुद्धि सुधरी, लंकनी हाथ जोड़ करके हनुमान जी से कहने लगी, आज हमारे जीवन के पुण्य जागृत हो गए हनुमान जी, कि आज राम दूत साक्षात हमारे सामने खड़ा है। आज हमारे और लंका वासियों के जीवन धन्य हो गए कि आज राम दूत के दर्शन हुए हैं। हम धन्य हो गए हनुमान जी, और लंका की ड्योढ़ी पर श्री हनुमान जी का पहला स्वागत लंकनी ने किया। हम और आप सब भी अपने हृदय रूपी लंका की ड्योढ़ी पर हनुमान जी का स्वागत करें, और पहले मन कर्म वचन से हनुमान जी की शरण चले। तू एक बार आजा हनुमान की शरण में, तू एक बार जाके गाइए। सर्वस्व कर दे अर्पण हनुमान की शरण में, सर्वस्व कर दे अर्पण हनुमान की शरण में, सर्वस्व कर दे अर्पण हनुमान की शरण में, सर्वस्व कर दे अर्पण हनुमान की शरण में। जीवन की डोर सौंप दे उनके ही हाथ में, जीवन की डोर सौंप दे हनुमान की शरण में, तू एक बार आजा हनुमान की शरण में, तू एक बार आजा हनुमान की शरण में। कैसे जाए श्रद्धा से सर झुका कर हनुमान की शरण में, श्रद्धा से सर झुका कर हनुमान की शरण में, श्रद्धा से सर झुका शरण में, श्रद्धा से सर झुका कर हनुमान की शरण में। विश्वास अटल रखना, विश्वास अटल रखना हनुमान की शरण में, विश्वास अटल रखना हनुमान की शरण में, विश्वास अटल रखना हनुमान की शरण में, विश्वास अटल रखना हनुमान की शरण में। फिर भय स्वागत लंका की ड्योढ़ी पर किया। हम और आप सब भी हृदय रूपी लंका की ड्योढ़ी पर हनुमान जी का स्वागत करें। हनुमान तुम्हारी जय जय हो, हनुमान
हनुमान तुम्हारी जय जय हो, हनुमान तुम्हारी जय जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, सुख की परिभाषा लंकनी ने दी। धरी अतुला एक अंग, तूलनता ही सकल मिली। जो सुख लव सत्संग, नगर की जय सबका जाहे दयरा। गरुड़ सुमेरु रेन समताई, राम कृपा करि चित माजाई। तिलक रूप धरे हनुमाना, बैठा नगर सुमेर भगवाना। मंदिर मंदिर पंथ सोधा देखे दादा निर्योदा। गयउ दसानन रात भर हनुमान जी लंका नगरी में घूमे। घूमते घूमते रावण के शयन कक्ष में भी गए, लेकिन माँ जानकी कहीं दिखाई नहीं। गयो दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जातु सुनाही। शयन किया देखा कभी तेही, मंदिर महोन दीख बैले। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर। हनुमान जी घूमते कैसे घर के सामने जाकर खड़े हुए, जहां धनुष बाण के चित्र देखे। आंगन में तुलसी का पौधा देखा, हनुमान जी नाचने लगे। अमायुध अंकित गृह शोभा वर्णिन जाय, नव तुलसी का वृंद सहाने। हनुमान जी सोचने लगे, लंका निचर निकर निवासा, यहां कहां सजन कर मन महो तर्क करे कभी लागा। तेही समय उसी समय विभीषण जी जागे। हम सब भी माया मोह की निद्रा में सोए पड़े हैं, जब तक हनुमंत जैसा संत हमारे जीवन के आंगन में आके खड़ा नहीं होता है। और जब कोई संत, हनुमंत रूपी संत हमारे जीवन के आंगन में आके खड़ा हो जाता है, तो जीव जाग जाता है। और जीव जब जागता है, तब उसके मुख से केवल एक ही शब्द निकलता है, राम 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 की नाच गए हरच कप सज्जन जी ना। ऐसा हट गए हो पहचानी साधन हो विप्र रूप धरी वचन सुनाए, सुनत विभीषण पुत्र आए। कर प्रणाम विभीषण जी हाथ जोड़ करके पूछने लगे, महाराज आप कौन हैं, आप बताओ। आपको देख करके मेरे मन में अतिशय आनंद हो रहा है। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमेरु। आनंद से हनुमान जी ने पहले राम कथा सुनाई, अपना नाम कहा, और फिर विभीषण जी से पूछा, आप बताओ लंका नगरी में रहते कैसे हो। तब विभीषण जी ने हाथ जोड़ करके आंखों में आंसू भर करके हनुमान जी को बताया, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, धीमे दशरथ महजी बलिहारी। तात कब हो मोहि जाने अनाथ, कर यही विभागान भुलनारा। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन भाई। अब मोहि भा भरोस हनुमंता,
सुनहु विभीषण प्रभु कैरी करे विभीषण जी को हनुमान जी ने कहा जरा मेरी तरफ तो देख विभीषण राम नाम का प्रभाव देख मैं एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदने वाला बंदर सौ योजन का समुद्र पार करके आया जिसका सुबह उठ करके कोई नाम ले तो उसे अन्न भी ना मिले ऐसा मैं बंदर सौ योजन का शरीर समुद्र पार करके यहां पर पहुंच गया तू तो मानव है भगवान की भक्ति बहुत करता है लेकिन भरोसा नहीं करता एक बार तू भगवान पर भरोसा करना शुरू कर देगा तो भगवान देख तेरे लिए क्या क्या नहीं करते सुनहु विभीषण प्रभु कहि सदा सेवक पर कहो कवन मैं परम पुलीना कपि चंचल सब ही समय अधम सखा सुन मोहु पर रघुवीर कीन्ही कृपा सुमिर कुन भरे भगवान के गुणगान गाने लगे हनुमान जी बोलो मेरे भैया अवधपति राम लेकिन भरोसे के साथ बोलो बोलो मेरे भैया अवधपति राम राम बोलो मेरे भैया अवधपति राम राम उठत बैठत रघुपति राघव सोवत जागत सीताराम उठत बैठत रघुपति राघव सोवत जागत सीताराम बोलो हनुमान जी विभीषण जी से विदा लेकर के अशोक वाटिका में पधारे दूर से माँ जानकी के दर्शन किए मन ही मन में हनुमान जी ने माँ जानकी को प्रणाम किया देखी मन ही मन की न प्रणाम नजदीक जाकर के देखा तो माँ के मुख से केवल एक ही शब्द निकल रहा था भगवत नाम का आश्रय कर रही थी सुंदर कांड में पहली बार माँ जानकी का प्रवेश हुआ है इसलिए दोनों हाथों को ऊपर उठा करके भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए जानकी मैया की जय जग जननी जय माँ Yeah.
पद नयन दिए मन राम पद कमल ली परम दुखी पवन एक ही शब्द निकल रहा था। हनुमान जी पेड़ पर बैठे थे, माँ और हनुमान जी दोनों मिलकर के गाने लगे। हम सब भी कथा के माध्यम से इस समय पात्र के रूप में इस कथा का दर्शन कर रहे हैं, इसलिए हम और आप सब भी गाएं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तरु पल्लव महाराज काई सम राम ही भान समान पुरुष वचन सुन गाढ़ी असी घोड़ा हट गया सीता तय ममकत अपमान कटियों तब सिर कठिन कृपाणा नाहित तपति मार मम बाणी सुन तो श्याम सरोज ताम सम सुंदर प्रभु मुझ कर कर भवन कयो दस गांधर यहाँ पिसाच नदन सीता ही पास दिखावे घर रूप बहुमन दान सेना सब मारी खर रूढ़ नगन रस सीता मुंडित सिर खंडित भुज सीता एही विधि को दक्षिण दिशि जाई लंका मन सब प्रभु सीता बोली यह सपना मैं कहूँ पुकारी कोई है सत गए चिन्ह चारी तासु वचन सुने ते सब डरी जनक सुता के चाहता गई सकल तब दिवस बीते मोही मारे ने चल सृष्टा माँ ने जब बताया
मैंने सपना देखा है कि लंका में एक बंदर आया है, इसने पूरी लंका उजाड़ दी है। रावण को दक्षिण की तरफ मुख किए हुए गधे पर बैठे हुए जाते हुए देखा है निर्वस्त्र, और मैं घोषणा करके कहती हूँ कि मेरा यह सपना 4 दिन में पूरा होने वाला है। तो जो राक्षसियां माँ जानकी को डरा रही थी, वही राक्षसी माँ के चरणों में प्रणाम कर करके अपने घरों की ओर जाने लगी। तब जानकी मैया ने सृष्टा माँ को हाथ जोड़ करके कहा, हाथ पकड़ करके कहा, रोम रोम श्री राम पुकारे, राम मिला तो कोई मेरा, रोम रोम श्री राम पुकारे, राम मिला मेरा, नाम मिला दो कोई 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 मेरा, राम मिला दो, राम मिला दो, राम मिला दो कोई मेरा, राम मिला दो, राम मिला दो, राम मिला दो, रोम रोम श्री राम पुकारे, राम मिला दो कोई मेरा, रोम रोम श्री के शब्द सुने नहीं जाते। मां मुझे अग्नि ला करके दे दो ताकि मैं जल करके भस्म हो जाऊं। जटासन बोली कर जोरी, मां तो बेपत संगन तय मोरी, तजोरे कर वे तो पाई, बस हर अपने तय जाए, आन काट रच चिता बनाई, मां तो वदन पुन देह लगाई, सत करे मंत्री तयारे, सुनत बचन पद कही समझाए, सब प्रताप पद सुज सुनाए, लिसन अनल मिल सुन सुकुमारे, अज कई जोने जो बवन जिनाए, कह सीता में निभा प्रतिकूला, मिल हिन पावक मिट हिन सूला, देखियत प्रगत गगन अंगारा, अमृतावत रे गौतारा, पावक मैं सत प्रवतन आगे, मान हो मोहि जान हत भागे, सलय विनय करे हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी, तब जन अशोक अंगार, लीन हर्ष उठी कर गए। मां को दुखी देख करके हनुमान जी ने राम नाम की मुद्रिका मां की गोदी में फेंकी। मुद्रिका को देख करके मां को लगा ये तो मेरी मुद्रिका है, ये कहां से आई। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित चकित चित मुद्री पहचाने, हर छवि चांद हृदय अकुराई, जीत को सकई थे। मधुर वचन में बोले, भगवान के गुण गाने लगे, तो मां जानकी के दुख भागने लगे। हम और आप सब भी भजन तो बहुत करते हैं, लेकिन हमारे आपके दुख भागते नहीं। कारण यह कि हम मन लगा करके भजन नहीं करते, मन लगा करके कथा नहीं सुनते। कथा कैसे सुननी चाहिए जिससे हमारे जीवन के दुख भागे, तो सूत्र दिया है, लागी सुनय श्रवण मन लाई, आए होए सतकथा श्रवणामृत जहि कथा सुहाई,
नर बानर हे संग कहो कैसे कही कथा है जगति जैसे कपि के वचन स प्रेम सुने उपजा मन विश्वास जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दा माँ जानकी को भरोसा हो गया ये बंदर पूर्ण रूप से राम का दास है। जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दास आनंद से भर गई। हरि जन जान प्रीत यति गाढ़ी सजन नयन बुध काबरी प्रभु मुझे कभी याद भी करते हैं कि नहीं कबहू के सुरत करत रघुनायक कबहू नयन मम शीतल ताता होई है बताओ मेरे प्रभु अपने भाई के साथ कैसे हैं तो हनुमान जी ने पहली सूचना दी मात कुशल प्रभु अनुज समेता तब दुख दुखी सो कृपा निकेता जन जननी मानव और माँ प्रभु अपने भाई के साथ कुशल से हैं जितना आप प्रभु से प्रेम करती हैं मां प्रभु आपसे दुगना प्रेम करते हैं यदि विश्वास न हो तो मैं प्रभु का संदेश आपके लिए लेकर के आया हूं आप मां सुनिए रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धरी थी अस कही कपि गद गद भयो आंख में आंसू बह गए हनुमान जी भगवान के वियोग की कथा गा रहे हैं योग की कथा सुनाई है कहे ऊ राम वियोग तब सीता जय सिया राम जय जय सिया राम कहूँ सकल भय विपरीता जय सिया राम जय जय सिया राम अवतरु लय मन हो पितानो जय सिया राम जय जय सिया राम पालन सा समन सतान स्वास सम त्रिविध समीरा जय सिया राम जय जय सिया राम कहे उते कछु दुख घटी होई जय सिया राम जय जय सिया राम लेकिन काही कहो यह जानन कोई जय सिया राम जय जय सिया राम भगवान राम की पत्रिका है जानकी सुना है कहने से दुख हल्का होता है लेकिन मेरे पास तो कोई है ही नहीं जिसे मैं अपनी बात कह सकूं
मेरे और तुम्हारे प्रेम की बात केवल मेरा मन जानता है। तत्व प्रेम कर्म मम अरु तोरा, जय सिया राम जय जय सिया राम, जानत प्रिया एक मन मोरा, जय सिया राम जय जय सिया राम। लेकिन वो मन भी तो मेरे पास नहीं है, वो मन भी तो तुम्हारे पास है जानकी। सो मन सदा रहत तो ही पारी, जय सिया राम जय जय सिया राम, जान प्रीति रस इतनहि माही, जय सिया राम जय जय सिया राम। माँ ने जब प्रभु का संदेश सुना, बिल्कुल अधीर हो गई, आंख से आंसू बहने लग गए, अपने तन मन की सुध भूल गई। प्रभु संदेश सुनत वैदेही, जय सिया राम जय जय सिया राम, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेही, जय सिया राम जय जय सिया राम। कह कपीर दय धीर धरु माता, जय सिया राम जय जय सिया राम, सुमिर राम सेवक सुख दाता, जय सिया राम जय जय सिया राम। हनुमान जी ने कहा, मां आप भगवान पर भरोसा करिए। निचर निकर पतंग सम, मां यहां के सारे राक्षसों को मैंने देखा हुआ है, मच्छर की तरह है मां। रघुपति भानु प्रसानो, ए मां जननी हृदय धीर धरु, जरे निसाचर जानो। मां प्रभु को पता ही नहीं था कि आप यहां पर हैं, नहीं तो कभी के आपको लेकर के जाते। जो रघुबीर होत सुति पाई, करते नहीं विडंबर बुराई, राम बाण रवि कोए जानकी, तम बरोथ कह जात जानकी। मां मुझे आज्ञा नहीं है, नहीं तो मैं भी आपको लेकर के जाऊं। वही मां तुम्हें जाओ लवाई, कछुक दिवस जननी धरि धीरा, कवि सहित आए रघुवीरा, निश्चर मारि तो ही ले जाई है। हनुमान जी ने कहा, मां थोड़े दिन निश्चिंत होकर के आप प्रभु का भजन करो, भगवान भरोसा करो, मुझे आज्ञा नहीं है, नहीं तो मैं भी आपको लेकर के जाऊं। प्रभु बंदर भालुओं के साथ यहां पधारेंगे, रावण को मारेंगे, मां और हम सब आपको लेकर के जाएंगे। तो मां को थोड़ी चिंता हुई कि ये छोटा सा बंदर भगवान की कृपा से यहां तक तो पहुंच गया, लेकिन बोलता कुछ ज्यादा है, अभिमानी लगता है। इसलिए मां ने पूछा, प्रभु ने जितने बंदर भालू इकट्ठे किए हैं, सब तुम्हारे बराबर के हैं या कुछ बड़े भी हैं? सुत कपि सब तुम ही समाना, जाग धान अति मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि तर्क कीन निज देहा। हनुमान जी को लगा कि माँ को पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, दोनों पैर अशोक वाटिका में जमाया, जय श्री राम का नाद किया। तो जय श्री राम 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 जय श्री राम। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बल शरीरा,
जी की जय जयकार करने लगे। जय हनुमान, 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 जय हनुमान। मत समय रवि भक्ष लियो तब दीन हो लोक भयो, बलिया रोता ही तुम रात भयो, जग को यह संकट का हो जानत है जग में कभी संकट को जलता कपी बसाई गिर जात महाप्रभु पंथ निहारो, जाओ महामनि शाप दियो तब चाहिए कौन विचार विचार, कह तुझ रूप लिवाए महाप्रभु सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कभी संकट को जलता। जय हनुमान, जय हनुमान, हम सोचो यहाँ सुन लाए यहाँ पगधारो, फिर सुबह जब सिंह तब है तब लाए सिया सुन प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कभी संकट को जलता। काज कियो बाबा काज कियो बड़ देवन के तुम भी महाप्रभु देख विचारो, कौन सा संकट मोल करी दुख जो तुम सो नहीं जाते है कारो, देख हरो हनुमान महाप्रभु जो अरुधर लाल लंग वज्र देह दानव दलन। जय जय रूप पवन सुत लय। हनुमान जी पुनः छोटे रूप में आ गए, पुनः एक बार बड़ा बन करके छोटा बनना बहुत मुश्किल होता है। जिस पर राम की कृपा होती है, प्रभु की कृपा होती है, हरि की कृपा होती है, वही बड़ा बन करके छोटा बन सकता है, और जो छोटा बन करके जीवन जीता है उसी को जगत में आशीर्वाद मिलता है। सुन माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही खाय परम लघु ज्ञान। आप निश्चिंत हो जाओ, हम और आप अकेले नहीं हैं मां, हमारे साथ है रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता, हमारे साथ है रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता, शरण रख दिया जब माथ में किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ में बात की चिंता। बस यही भरोसा करिएगा, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिना बात की चिंता, किया कर ते हो तुम दिन रात क्यों बिना बात की।
तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता, हमारे साथ है रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। मन संतोष सुनत कपि बाने, भगति प्रताप तेज बरसाने, आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो जब हनुमान जी को माँ ने पांच आशीर्वाद दिए राम का प्रिय जान करके, तू अजर हो, अमर हो, गुणों की खान हो, भगवान तुम पर खूब प्रेम करे, ऐसा आशीर्वाद भगवान तुम पर खूब प्रेम करे, हनुमान जी ने सुना तो बार बार माँ के चरणों में दंडवत करने लगे कि बस माँ मुझे और अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे यही चाहिए था माँ। और हनुमान जी ने माँ के चरणों को पकड़ करके माँ की स्तुति करी, बैठो मेरी माँ तू भवानी, मैं झुक के पैया लागू, मैं झुक के पैया लागू, बैठो मेरी माँ तू भवानी, मैं झुक के पैया लागू, मैं झुक के पैया लागू। मैया मोरे अंगनवा में आई हो, मैया मोरे स्वर्ण सिंहासन मैया बैठक दीनो, स्वर्ण सिंहासन मैया बैठक दीनो, चंदन पेढ़िया मैया बैठक दीनो, चंदन पेढ़िया मैया बैठक दीनो। अब बैठो मेरी माँ तो भवानी, मैं झुक के हलवा चने का भोग लगाया, हलवा चने का भोग लगाया, जिमो मेरी माँ तू भवानी, मैं झुक के पैया लागू, मैं झुक के पैया लागू, हाँ जिमो मेरी माँ तू भवानी, मैं झुक के पैया। देवी भवानी तुम मात जगत की, देवी भवानी तुम मात जगत की, तुम ही तो जानो मैया पीर भगतन की, तुम ही तो जानो मैया पीर भगतन की। मैया तुम मुस्काओ फूल झरे, मैया तुम मुस्काओ फूल झरे, हमें भक्ति दे दो, हमें शक्ति दे दो, हमें भक्ति दे दो माँ,
जंग में जीत दे हे श्री भवानी के मारी जंग मां जीत दे श्री भवानी मारी जंग मां जीत दे श्री भवानी मारी जंग मां जीत दे श्री भवानी जय जय अम्बे जय जगदम्बे जय जय अम्बे जय जगदम्बे जय मां अम्बे जय जगदम्बे जय जगदम्बे जय जगदम्बे सुनहु मां तुम ही अतिशय भूखा लागि देखि सो धर सुन सुत कराई बिपिन रखवारी परम सुभट रजनी दरबारी तिन कर भय माता नाही जो तुम सुख पानो देखि बोधि बल रघुपति चरण दास मधुर फल का माँ ने आज्ञा करी कि रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके तुम फल को खाओ मधुर फल खाओ फल रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके यदि खाओगे तो वो सारे फल मधुर ही होंगे। जीवन में सबसे मीठा फल होता है कर्म का फल। हम सब चाहते हैं कि हमें फल मीठा मिले। कर्म से जो फल मिले वो हमें सुख देने वाला हो दुख देने वाला न हो, लेकिन यदि हम सारे कर्मों के फल जो मिले जो परमात्मा सहज ले उसे स्वीकार कर ले तो हमारे सारे फल मीठे हो जाते हैं और जो इस सहज भाव में जीवन जिए तो उसी का जीवन सुंदर कांड हो जाता है। रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर और हनुमान जी ने माँ के चरणों में प्रणाम किया। अशोक वाटिका में घुसे विराट रूप धारण किया और राक्षसों को मारना प्रारंभ किया। चले उना सिर बैठे बागा फल खाए तर तोरे लागा विशाल करते तो पारा फिर धकीन लंके सुकुमारा रहे महाभटा के संगा गई गई कभी बजे नहीं पात का ही सलवाजा फिर सुगल मानव गज राजा मटका माल चला कर जाए तारे फुट बहोर की है वो माया जीत न जाए पर्वत लगाया जो नाम सरमान हो
छोटे पुत्र अक्षय कुमार का वध कर दिया, राक्षसों को बहुत मारा, तो रावण ने अपने बड़े पुत्र मेघनाथ को भेजा और कहा इसे पकड़ करके लेके आओ, मुझे देखना है यह है कौन। मेघनाथ आया, हनुमान जी से युद्ध होने लगा तो मेघनाथ जीता नहीं जाता तो माया करने लगा, माया से भी नहीं जीता जाने लगा तो उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी ने मन ही मन में सोचा मेरे में प्रभु की कृपा से इतनी ताकत है कि मैं इस ब्रह्मास्त्र को भी तोड़ दूं, लेकिन मैंने ये ब्रह्मास्त्र तोड़ दिया तो जगत से इसकी महिमा सदैव के लिए समाप्त हो जाएगी, इसलिए हनुमान जी बंध गए। ब्रह्म बाण कब तो बाण में बांध करके रावण के दरबार में ला करके हनुमान जी को खड़ा कर दिया। रावण ने हनुमान जी को देखा और हनुमान जी ने रावण को, रावण पूछने लगा हनुमान जी से कपि बिलोक दशानंद बीता नहीं दरबार। रावण पूछने लगा कह लंकेश कवंत गीसा के बल घाले बन गीसा की घो शबंध तो नहीं नहीं वो ही देखो मारे निश्चत कई अपराधा का सुट कहीं प्राण कह बाधा। हनुमान जी ने उत्तर दिया, रावण ने पूछा तूने ये सारे काम किसके बल से किए, हनुमान जी ने अपना बल बताया, जिस बल को हनुमान जी ने याद किया है हम और आप भी उसी बल को याद रखें, अपने पुरुषार्थ का बल नहीं राम का बल। सुंदावन ब्रह्मंड निकाय पाई जास बल बिरच तमाया जाके बल बिरंच हर गीता बधे सकल जाके बल लवलेश ते जित हितराचर झा ताशदूर में जाके। जिसके लेश मात्र बल से रावण तूने तीनों लोकों को जीत रखा है उसी राघव का मैं दूत हूँ और मुझे पता है तुम्हारे में कितना बल है। जानो मैं तुम्हार प्रवताई जन्मई मारा ते मैं मारे तंत्र बांधे तने तुम्हारे मोहे कर बांधे कैला जाती विनती कर हो चोरी कर रावण सोना हो मारे लगे। रावण मैं आपसे विनती करने के लिए आया हूँ, मेरी सीख को जरा सुनिएगा। देखो तो मन जे फूल है बेचारे जानकी को वापस करके मेरे प्रभु की शरण ग्रहण करो, इसी में तुम्हारी और लंका वासियों की भलाई है। मेरे प्रभु इतने करुणा निधान है कि तुम्हारे सारे अपराध को क्षमा दान दे देंगे। प्रणतपाल रघुनायक करुणा सिंधु फरारी गए शरण प्रभु राखी है तब अपराध। तुम्हारे सारे अपराध को क्षमा दान दे देंगे रावण, एक बार मेरे प्रभु की शरण ग्रहण करो, मेरे प्रभु बड़े करुणा निधान हैं। श्री राम कृपालु बड़े महाराज दयालु बड़े दया।
ताली बजा के सब गाइए। श्री राम कृपालु बड़े, महाराज दयालु बड़े, श्री राम कृपालु बड़े, महाराज दयालु बड़े। टूटी खुद खेकर पार लगा देंगे, खुद खेकर पार लगा, क्योंकि श्री राम कृपालु बड़े, महाराज दयालु बड़े, श्री राम कृपालु बड़े, महाराज दयालु बड़े। और रावण, तुम आए कहाँ के ऐसे धनी, तुम आए कहाँ के धनी, जो प्रभु बिन काम चला लोगे, जो प्रभु बिन काम चला लोगे, मेरे राम प्रभु जी ऐसे हैं, मेरे राम प्रभु जी ऐसे हैं, जो बिगड़ी बात बना देंगे, मेरे राम प्रभु जी ऐसे हैं, जो बिगड़ी बात बना देंगे। टूटी फूटी नैया हमारी, टूटी फूटी नैया हमारी, खुद के पर पार लगा देंगे, खुद के पर पार लगा देंगे, श्री राम जस विमल मयम का, हे जस मोहो, राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देख विचार जाग मद मोहा, बसन ही न कहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित वर नारी, राम विमुख संपत्ति प्रभु तारी, सजल मूल जिन सर तेन माए, सुन दस कंठ कहो पन रूपे, देव राम शंकर सहस विष्णु अज सुहे, सगरे के राम कर मोहमूल बहुशूल प्रत। हनुमान जी ने रावण को सूत्र दिया, प्रभु का भजन करो तो कैसे करो, त्याग हूं तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान, अभिमान को छोड़ करके मोह को छोड़ करके परमात्मा का भजन करो तो वह करुणा सागर है, कृपा करता है। श्री राम कृपालु बड़े, महाराज दयालु बड़े, श्री राम कृपालु बड़े, महाराज दयालु बड़े। हनुमान जी ने रावण की लंका में कीर्तन करके बताया, जरा आप और हम सब भी मिलकर के हनुमान जी के साथ एक दो मिनट के लिए कीर्तन करें। रघुनंदन राघव राम हरे सीता राम हरे सीता राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे सीता राम हरे सीता राम हरे,
थाली बजा के भागे। ओ सीता राम हरे सीता राम हरे सीता राम हरे सीता राम हरे। जब भी कहीं तब अधित बानी भगत विवेक मिलत में सानी। बोला भी हसी महाभिमानी मिला हमें कब गुड़ बढ़ गए। नित्य निकट आई खल तो ही लागत अधम सिखावन मोही। उल्टा हो है कहर माना सुन कभी पचन बहुत कितियाना। बेकिन हर मोड़ कर गाना सुरन सागर मारण भाए सचवन भाई तो ना चीत कर विनय बहु ताली तब विरोधन मारे दूता आदर कर भरे बसाए सभी कहा। सुनत बिहत बोला तत कर दर आग भाग कर बटे कप्पे ममता पूछ परा सभी कहा समझाए। तेल बोर खड़वाली बने हनुमान जी की पूछ में आग लगा दी गई। हर पैर कई अवसरा चले मरुत ऊंचा सर हाथ कर गए कपड़े लगे। और हनुमान जी को जैसे ही प्रभु की आज्ञा मिली हनुमान जी ने विराट रूप धारण किया और एक नगर से दूसरी नगर में आग लगाने लगे। देह विशाल परम हरुवाई मंदिर ते मंदिर चल जाई। जय नगर भालोक बिहारा जमन लवन को कोट कराला। तात मात हाथ ही पुकारा कई अवसर को हमें दुआना। हम जो पाए कपड़े होई वाने रूप तरे चुरकोई। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा जरई नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगर निमिष कमाही एक मीटर कर बैठाए। डाकर दूत अनल के सिर जा जरान को कई कारण गिर जा। लंका सब जाने उलटी पलटी लंका सब जारी। कूदे परा पुने से बाबा कूदे परा पुने सिंधु मझारी। बाबा कूदे परा पुने से हनुमान जी ने उलट पलट करके पूरी लंका जलाई। समुद्र में कूदे पूंछ को शांत किया। बाहर निकल करके आए और माँ के सामने जाने से पूर्व थोड़ा सा विश्राम किया। पूछ बुझाई खोही श्रम जीवन में विश्राम केवल राम के नाम से मिलता है। संसार है तो विष पीना पड़ेगा। विश्राम रूपी जीवन से यदि राम निकल जाए तो केवल विष ही विष बचता है। और हम सब संसारी हैं। हम सब सबको संसार में विषम परिस्थितियों में जीना पड़ता है। संसार में भगवान से केवल यही मांगे यदि परिवार से समाज में यदि कुछ भी अपमान मिले तो मैं अपने परिवार में समाज में सबको सम्मान कर सकूं ऐसा मुझे बल दो। और ऐसा बल भगवान शिव से प्राप्त होता है जिसने जगत का विष पी करके इस संसार को अमृत प्रदान किया है। ऐसे बाबा भोलेनाथ को लंका नगरी में जबकि हनुमान जी विश्राम कर रहे हैं हम और आप सब जरा प्रणाम कर लें। भोले बाबा तुम्हारी जय जय हो। 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 जटाधारी तुम्हारी जय जय हो। जटाधारी तुम्हारी जय जय हो। गंगाधर चंद्रशेखर तुम्हारी जय जय हो। चंद्रशेखर तुम्हारी जय जय हो। भोले बाबा तुम्हारी जय जय हो। भोले बाबा तुम्हारी जय जय हो। विश्वनाथ तुम्हारी
ताली बजा के सब गाइए। विश्वनाथ तुम्हारी जय जय हो, विश्वनाथ तुम्हारी जय जय हो, केदारनाथ तुम्हारी जय जय हो, केदारनाथ तुम्हारी जय जय हो, सोमनाथ तुम्हारी जय जय हो, सोमनाथ तुम्हारी जय जय हो, अमरनाथ गौरी शंकर तुम्हारी जय जय हो, गौरी शंकर तुम्हारी जय जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, रामेश्वर तुम्हारी जय जय हो, रामेश्वर तुम्हारी जय जय हो, नागेश्वर तुम्हारी जय जय हो, मनकामेश्वर तुम्हारी जय जय हो, मनकामेश्वर तुम्हारी जय जय हो, ओंकारेश्वर तुम्हारी जय जय हो, ओंकारेश्वर तुम्हारी जय जय हो, भोले बाबा तुम्हारी जय जय हो, भोले बाबा तुम्हारी जय जय हो, महा त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमे वंदनान्वितमक्षेला, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमे वंदनान्वितमक्षेला, त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमे वंदनान्वितमक्षेला, महाकाल तुम्हारी जय जय हो, मृत्युंजय तुम्हारी जय जय हो, मृत्युंजय तुम्हारी जय जय हो, महादेव तुम्हारी जय जय हो, महादेव तुम्हारी जय जय हो, हे महादेव तुम्हारी जय जय हो, महादेव जय हो, जय जय हो, ओम नमः शिवाय, 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 करालं महाकाल कालं कृपालं गुणगार संसार पारं नतो तुषारातिशंकाश गौरं गंभीरं मनोभूत कोटि प्रभाषी चरी सुरन्मौली कल्लोली नीचारु गंगा रसद भाल भालेन्दु कंठे भुजंगा चलत शूल निर्मूलनम शूलपाणि भजे हम भवानी प्रति भाव चलाती कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद चेतानंद संलोह मोहा बहारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध
शिवाय नमः 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 शिवाय जनक सुता के आगे ठाण भयो कर जो मात मोहि दीजै कछु चीना जैसे रघुनायक मोहि दीना चूड़ा मणि उतार तब दय हो हर्ष समेत पवन सुत लय सक्त सुत कथा सुना यह बान प्रताप प्रभु समझा यह मार दिवस मैनाथ नावा तो पुनि कोई जय नहीं बावा कब कह दिदिरा को प्राणा तुम हो तात कहत अब जाना तो है तल भय चाते पुनि मोर कौन सो जनक सुताई समझाय करी बहु विधि धीरज दीना चरण कमल से नाय कपी गमन राम पै चलत महाघन कर जस भारी गर्भ प्रवय सुने हर्षे सब विलोक हनुमाना नूतन जन्म कपिन कब जाना मम प्रसन्न कर तेज विराजा की मिले सकल अति भय सुखाई सर्वत नियमावली भारे चले हर्ष लघु नायक पासा पूजन कर तब मत बन भीतर सब आए अंगद सम्मत मत फल खाए रखवाए जब वरजन काके जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जौन होत सीता तुझ पाई मधुबन के फल सकहि के खाई ए विधि मन विचार कर राजा आई करे कब जय सवाजा आई सबन नावा पद सीता मिले सबन अस प्रेम सीता तुझे कुशल कुशल कर देखी हनुमान जी की विनम्रता देखी हनुमान जी राम कार्य करके वापस आए और एक एक छोटे से छोटे बंदर भालुओं को प्रणाम किया है। जीवन में ये विनम्रता होनी चाहिए, कितना बड़ा से बड़ा काम क्यों न कर लें, अपने से छोटे जितने भी हों सबको प्रणाम कर सकें, यानी विनम्र भाव से छोटा बनकर के जीवन जी सकें। आई सबन नावा पद सीता मिले सबन अत प्रेम कपीसा तुझे कुशल कुशल नाथ काज की है हनुमाना जागे सकल सुनि सुग्रीव बहुर देहि मिलउ कपिन सहित रघुपति कहि चलउ राम कपिन जब आवत देखा किए काज मन हर चले पटिक सिला बैठे दौ सुग्रीव जी से मिले सभी समस्त कथा सुग्रीव जी को सुनाई और सुग्रीव जी सभी बंदर भालुओं को लेकर के जब अपनी कुटिया की ओर आगे बढ़े और भगवान ने सभी बंदर भालुओं को अपनी ओर आते देखा प्रसन्नता से तो प्रभु एक शिला पर विराजमान हो गए। वलकल वस्त्र धारण किया हुआ है, जटा जूट बंधी हुई है, वनमाला सुशोभित है, हाथों में धनुष बाण लिए हुए हैं, लखनलाल जी पीछे खड़े हैं, एक चरणों के ऊपर दूसरा चरण रख करके प्रभु पत्थर की शिला पर स्फटिक की शिला पर विराजमान हैं। सभी बंदर भालुओं ने जाकर के प्रभु के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया।
बोलिए राजा राम चंद्र भगवान की जय, श्री लखन लाल की जय। सुंदरकांड में पहली बार भगवान राम का और श्री लखन लाल जी का प्रवेश हुआ है, इसलिए एक दो मिनट की स्तुति सब गाइए मेरे साथ। रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, राजा राम तुम्हारी जय जय हो। रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, राजा राम तुम्हारी जय जय हो। हे सीता शक्ति तेरी जय हो, हे सब जग के प्राण आधार हो तुम, राजा राम तुम्हारी जय जय हो। सब जग के प्राण आधार हो तुम, राजा राम तुम्हारी जय जय हो। क्या मांगे? हे सीता राम भक्ति वर दो, हे सीता राम भक्ति वर दो, मेरे नाथ नवीन शक्ति भर दो, मेरे नाथ नवीन शक्ति भर दो। हम भिक्षुक हैं धनवान हो तुम, राजा राम रघुपति करना पुंज, जामवंत जी खड़े हुए और हनुमंत चरित्र कहना शुरू किया। जामवंत कह सुन रघुराया, जा पर नाथ कर सब लोग का ये जानकी के दुख को सुन करके भगवान की आंख में आंसू आ गए। जय सिया राम।
नयन स्रवहि जल निज हित लागी जय न पावे सीता के अति विपति विशाला बिनहि कहे भल दीन दयाला निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कलप सम बीत बेगि चले प्रभु आनि है भुज बल खल जल जीत महाराज जल्दी करें माँ अत्यंत दुखी है पूरी सेना तैयार करी जाए सुन सीता प्रभु प्रभु सुख कैना भरियाए जन राजीव सुन सीता दुख प्रभु सुख कैना भरियाए जन राजीव वचन काय मन मम गति गाए सपन है वो जल विद पिताए कह हनुमंत विपति प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन धान की जिप ही जीत आन बहि प्राण सुन कपि तो ही समान उपकारी नहीं को सुर नर मुनि तनुदारी प्रति उपकार करो का तोरा सनमुख होय न सकत मन मोरा सुन सुख को जियो ऋण मैं नाही ले कहो कर विचार मन पुनि पुनि कपि हिच तव सुर गाता सुन प्रभु बचन बिलोक मुख दात हरष हनुमंत चरण परे प्रेमा उद त्राहि त्राहि भगवान जब प्रभु ने हनुमान जी से कहा कि मैं तुमसे मेरा कुल जीवन पर्यंत ऋण नहीं हो सकता है तो हनुमान जी प्रभु की आंख को देखते देखते प्रभु के चरणों पर गिर पड़े बार बार प्रभु चाहे उठावा प्रेम मगन से ही उठब नभावा प्रभु कर पंकज कपि के सीसा स्वमेरे भगवान हनुमान जी से पूछने लगे कहो कपि रावण पालित कहीं विधि प्रभु प्रसन्न जाना हनुमान बोला वचन विगत सिंह आतक पुर नेते चर महाराज ये सारे काम जो हुए हैं मैंने नहीं किया सब आपकी कृपा से हुआ है मैंने कुछ नहीं किया मालिक सो सब तब प्रताप रघु आपकी प्रभुताई की वजह से प्रभुता की वजह से हुआ है मैं तो केवल आपके नाम का भजन करता हूं मैं तो मेरे राम का राम जी हमारा है मैं तो मेरे राम का राम जी हमारा है राम जी हमारा मन घना लागे प्यारा है राम जी हमारा मन मैं तो मेरे राम का राम जी हमारा है मैं तो मेरे राम हनुमान जी ने प्रभु को देख करके कहा मालिक जिसकी जिस पर आपकी कृपा हो वो क्या नहीं कर सकता है
ना कहूं प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल तब प्रभाव बढ़वा न लहे। और हनुमान जी ने भगवान से मांगा, जब भगवान ने कहा मांगो हनुमान जो इच्छा हो मांगो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं, तो हनुमान जी ने एक वस्तु मांगी, श्याम सुंदर तेरी नौकरी। हनुमान जी ने मांगा श्याम सुंदर तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। श्याम सुंदर तेरी नौकरी ए सबसे बढ़िया है सबसे खरी, तेरे दरबार की चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी, तेरे दरबार की चाकरी ए सबसे बढ़िया है। खुशनसीबी का जब गुल खिला, खुशनसीबी का जब गुल खिला, मुझको खुशियों भरा दिल मिला, मुझको खुशियों भरा दिल मिला। ऐसी चमकी है किस्मत मेरी, ऐसी चमकी है किस्मत मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, ऐसी चमकी है किस्मत मेरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी, तेरे दरबार की चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी, तेरे दरबार की चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मैं नहीं था किसी काम का, ले सहारा तेरे नाम का, ले सहारा तेरे नाम का। ढूंढ ली मैंने मंजिल नई, ढूंढ ली मैंने मंजिल नई, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, ढूंढ ली मैंने मंजिल नई सबसे बढ़िया है सबसे, तेरे दरबार की चाकरी ये सबसे बढ़िया है सबसे खरी, तेरे दरबार की चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। गुलाम हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया, जग में मेरा भी नाम हो गया, जग में मेरा भी नाम हो गया, मेरा नाम हो गया, मेरा नाम हो गया, मेरा नाम हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया हो गया, क्योंकि करते हो तुम रमैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम रमैया मेरा नाम हो रहा, मेरा आपकी से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब
सब काम हो हो जो मेरे किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। करता नहीं मैं कुछ भी, आराम हो रहा है। आराम हो रहा है। आओ मेरे राम तरस रही अखियां, आओ मेरे राम तरस रही अखियां, तरस रही अखियां बरस रही अखियां, तरस रही अखियां बरस रही अखियां। बोलो आओ मेरे तो राम जब तक जीवन में आएगा नहीं तब तक आराम हो नहीं सकता है। आराम चाहिए, विश्राम चाहिए तो राम को पुकारो। जब से तेरा गुलाम हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया, जग में मेरा भी नाम हो गया, जग में मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी मेरे। श्याम सुंदर तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, सबसे बढ़िया है सबसे करी। छुट्टी लूंगा कभी मैं नहीं, छुट्टी लूंगा कभी मैं नहीं, सांस जब तक चलेगी मेरी, सांस जब तक चलेगी मेरी, मरते मरते करूं नौकरी, मरते मरते करूं नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे करी। मरते मरते करूं नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे करी। नाथ भगति अति सुख सुने प्रभु परम सरल कपि पानी, देव मातु तब कहो भवानी, कुमार राम स्वभाव जही जाना, साई भजन सति भाव जाना। यह संवाद जासु गुर गावा, रघुपति चरण भक्ति होइ पावा। सुने प्रभु वचन कहै कपि वृंदा, जय 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 तब रघुपति कपि पति ही बुलावा, कहा चले कर करो अब विलंब कही कारण कीजै, तुरत कपिल कहो कौतुक देखे तो मन बहु बरसी, नभते भवन चले कपति बेग बुलाए, आए जूथव जूथन नाना वर्ण जो जो सगुन जान की होई, अस्पन भय हो राम नहीं सोई, जला कटको बने पारा, भजे वाजर बालो पारा, नखाय
बंदर भालू बुलाए गए, भगवान के चरणों में प्रणाम करके पूरी सेना तैयार हुई। और जब किष्किंधा पर्वत से पूरी सेना उतरी है तो धरती की दशा क्या हुई, गोस्वामी जी ने वर्णन किया। चिक्कर ही दिग्गज डोल मही गिर लोल सागर खर भरे मन हर्ष सब गंधर्व सुर मुनि नाग के नर कटकट ही मरकट विकट भट बहु कोटि कोटि न धावहि जय राम प्रबल प्रताप कोसल नाथ गुण गन सही सकन भार उदार कही मति बार बार ही मोहि गदसन पुनि पुनि कमट पृष्ठ कठोर सो और विश्राम किया। जहां तहां बंदर भालुओं को फल फूल दिखाई दे बस खाने लगे। यही विधि जाई कृपा निधि उतरे सागर तीर जहां तहां लागे खान फल भालु विपुल कपिबीर। गोस्वामी जी यहां तक हनुमंत चरित्र की कथा सुनाने के बाद हम सबको लंका लिए चलते हैं कि जब से श्री हनुमान जी लंक दहन करके आए थे लंकावासियों की दशा क्या है। रावण को मंदोदरी माल्यवंत विभीषण सब समझा रहे हैं लेकिन रावण मानने को तैयार नहीं। विभीषण जी को लात मार करके निकाल देता है और विभीषण जी की ये पहली शरणागति भगवान की शरण में होती है जो मन की शरणागति है। दूसरी शरणागति रावण के दूत की होती है जिसे रावण लात मार करके निकाल देता है, ये कर्म की शरणागति है। और तीसरी शरणागति समुद्र की होती है जो वचन की शरणागति है। जीव को मन कर्म वचन से प्रभु की शरण में जाना होता है। जब तक जीवन में निर्मल मन नहीं होता तब तक मन कर्म वचन से प्रभु का हो नहीं सकता है। हम और आप सब भी मन कर्म वचन से प्रभु की शरण में चले भाव और श्रद्धा के साथ। उहां निसाचर रहाई ससंका जब ते जार गयो कपिलंका निज निज ग्रह सब करहि बिचारा नय नय चर कुल खेरो बारा जास तूत पर भरने न जाई कहियाए पर कवन भनाई धोते सरसने पुर जनवाने दहत जोर कर पट पग लागे भूले पटन नीत रस पाके करत करत हरि सन पर समझत जास तोत कै करनी प्रभ गर्भ रजनी चर धरनी दास नार निर सचव बुलाए पटवा बंदर चाव कराए तब कुल कमल विपिन दुख दाई सीता सीतल सा सम आई सुरावनार सीता विन दे हितन तुम्हार राम बान अहे गन सर सर निकर निसा चर भेश जब लग सतन तब लगे जन शवन सुने तटता करवाने भीता जगत विदत अभिमाने सभय स्वभाव दान कर साचा मंगल भाव मैं मन जो आवे मर कट कट काई जियहि बिचारे निश्चर खाई कंपहि लोक पर जाके दाता तात नाम सभी अस्कै बिहत ताई और लाई चले सभा मवता अधिकाई बंदोदर हृदय कर तब जो बोले सोई रावण को बनी सहाई अवसर जान भीषण भगवंता व्यापक कृपा
बार बार पदार विजय करो दसी मान मोह मन पुलिस निशिष्ट सदा कई पटई यह बात समय माल्यवंत अति पतिव सयाना तात वचन सुन अत कमाना तात पलज तब नीत विभूषण सौर धर हो विपुत करत कहत सट दो दूर में करहु यहाँ है को बाल्यवंत में गयो बहुरी कर सुमत कुमत सबके उर रही नात पुराण निगम अस काही जहाँ सुमत का तब उर कुमत बसी विपरीता हित अनहित मानव विपरीता तात चरण कई मांग हो राखो मोरत लार सीता देहो राम कहो पैतन हो ममपुर बस तपसिन पर प्रीति कहनी थी उमा संत की यही बड़ाई मंद करत जो करई भलाई भले महिमा राम भजे विभीषण जी को रावण लात मार करके निकाल देता है और विभीषण जी रावण को यह बोल करके जाते हैं कि राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल वशतोर मैं रघुवीर शरण लब जाऊं दे जन को अस कहीं चला विभीषण जब ही आयो साधु अवज्ञा सुरत भवानी कर पावन जब हिल भीषण त्यागा भय विभव बिन तब ही अभागा चले हर जगनायक पाहे जकियों जाए चरण जल जाता अरण मृदुल से वक्त कटाता देवर परश तरी जय पर जनक सता उर लाए कपट को रंग संग धर धाए हर और सर सर रोज पर जय हे जन पायन के पाद के नाम भरत रहे मन लाय ते मन राम हे बिज करत सब प्रेम विचारा आयो सबद सिंध ते पारा कपिल विभीषण आवत देखा जान को पाहिरा कपीश पहिनाए समाचार सब ताहि सुनाए कह तो रे सुन प्रभु वचन हरत हनुमान शरणागत वचन सभी बंदर भालुओं ने जब विभीषण जी भगवान की शरण में पहुंचे तो बंदर भालुओं ने रोक लिया और भगवान को जाकर के कहा कि महाराज रावण का भाई आया है इसे जान से मार देना चाहिए। तब भगवान ने कहा शरणागत कहूं जे तजही निज अनहित अनुमान ते नर पावर पाप मय तिनहि बिलोक उनको देखना भी पाप है जो शरण में आए हुए को छोड़ देता है। ये भगवान बोले कोट भी प्रबध लागे जान आए शरण तजब भगवान ने कहा करोड़ों करोड़ ब्राह्मण के वध का श्राप लगा हो ऐसा जीव भी मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसे अपना लेता हूं। गीता बोली है प्रभु ने कोट भी प्रबध लागे आए सन्मुख हो ये जीव मोहि जब जन्म कोटि अथ पाप
हृदय सोई होई मोरे निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट जो जीव मेरी शरण में आ जाता है मैं उसे अपना लेता हूं, ऐसा प्रभु ने कहा और श्री हनुमान जी को आज्ञा करी। उभय भांति तहि आने हो हसि कह कृपा निकेत जय कृपाल कहि कपि चले अंगद हनु मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद। क्योंकि विभीषण जी सोचते हुए आ रहे थे मैं ऐसे चरणारविंद के दर्शन करूंगा जो कैसे हैं, जिन पायन के पादुकिन भरत रहे मन लाय ते पद आज बिलोकी हूं इन नैनन अब जाए। प्रभु के चरणों का चिंतन करते हुए आए थे और प्रभु की जब आज्ञा हुई तब मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद राम के चरणारविंद राघव के पादारविंद राम के चरणारविंद राघव के पादारविंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद। भगवान के चरणों का चिंतन करने से जीवन के आचरण सुधर जाते हैं, इसलिए भगवान के चरणों का चिंतन करो कि भगवान ने अपना मर्यादा पूर्ण जीवन कैसे जिया, उन आचरणों को समझो। चरणों का चिंतन, प्रभु के आचरण का चिंतन करो तो अपने जीवन के आचरण सुधर जाते हैं। विभीषण जी की आंख से आंसू बहने लगे जब भगवान के दर्शन किए। नयन नीर पुलकित अति गाता मन धैर्य धारण किया। भगवान के सामने खड़े हैं विभीषण जी और उन्होंने अपना परिचय दिया, महाराज मैं कौन हूं। नाथ दशानन कर मैं भ्राता निश्चर वंश जन्म सहज पाप प्रिय तामस देहा जता। महाराज मैं रावण का भाई, निशाचर वंश में मेरा जन्म हुआ है और ऐसी देह लेकर के आया हूं जो पाप से प्रेम करती है। जैसे उल्लू को रात्रि से प्रेम होता है महाराज, ऐसे मेरी देह को पाप से प्रेम है, ऐसी मैं देह लेकर के आया हूं लेकिन आपके सुयश को सुन करके आया हूं। आना तो नहीं चाहिए था लेकिन हनुमान जी से आपके बारे में सुना। श्रवण सो जस सुनिया यहू प्रभु भजन भव वीर त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुख बस मालिक आपकी शरण में आया हूं ऐसी कृपा बनाओ। आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे दो राम
मुझको दर्शन दे दो राम, मुझको दर्शन दे दो राम, मुझको दर्शन दे दो राम। ताली बजा के गाइए, मेरे अंदर तेरी लहरें, रिश्ता है जन्मों का, मेरे अंदर तेरी लहरें, रिश्ता है जन्मों का, जैसे एक नाता हो जाए सागर से नदियों का, जैसे एक नाता हो जाए सागर से नदियों का, मैं करूं साधना ऐसा साधन दे दो राम, मैं करूं साधना तेरी ऐसा साधन दे दो, आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे दो राम, आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे दो राम। मेरी मांग है केवल दिल में आते रहिए, मेरी मांग है केवल इतनी दिल में आते रहिए, हर एक श्वास के पीछे अपनी झलक दिखाते रहिए, हर एक श्वास के पीछे अपनी झलक दिखाते, ताकि मैं सब में देखूं तुमको ऐसा दर्पण दे दो राम, मैं सब में देखूं तुमको ऐसा दर्पण दे दो राम, आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे दो राम, आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे दो राम। हम सब सेवादार आपके दास, दासनी तुम्हारे, हम सब सेवादार आपके दास, दासनी तुम्हारे, जिंदगी के दिन कट जाए ऐसी शक्ति दे दो राम, ना छोड़ो तेरा दामन, ऐसी शक्ति दे दो राम, ऐसी भक्ति दे दो राम, ऐसी भक्ति दे दो राम, कि आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे दो राम, आंखें बंद करूं या मुझको दर्शन, अस कहि करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हर्ष विजेता, दीन बचन सुन प्रभु मन भावा, भुल विचार गए दयन मामा, अनुज सहित मिल ढिक बैठारे, तोरे वचन भगत बैहारी, कहलम के परिवारा, कुशल कुठा हर बात तुम्हारा, फल मंडली बसहु दिन राते, सखा धर्म बल वासन रख करता था, दुष्ट संग जन के
स्वरूप मन ध्यान लावा जय प्रभु जय जय अहो भाग्य मम अमित अति दाम कृपा सुख पंज रे कहो नयन विरंत शिव जय उज्वल सुनहु सखा निज कहो सुभाव ज्ञान भूषण शंब गिर जाहु जो न रहो चराचर द्रोही आवे सभय शरण तज मद मोह कपट चलना ना करहु सत्य ते साध समाना जननी जनक बंद सुखदाता करम भवन सबके ममता ताक बटोरी मम पद मन हि पाज पर चोरी संदति इच्छा कर नाहि हसो भय असत जन्म मम गुरु पद के से जो भी हृदय बनौ दर जय ममता के संत प्रेम रे हर हो रे नै आरती हो रे सगुन उपासक पर हित निरतन एक भीषण प्रभु कह बाने नहीं अगाध शवनामृत जाने विभीषण जी के भाल पर जैसे ही प्रभु ने किया सभी देवी देवता आकाश मार्ग में आ गए पुष्प वृष्टि करके प्रभु की जय जयकार करने लगे मेरे राम तुम्हारी जय जय हो मेरे राम तुम्हारी जय जय हो रावण क्रोध अनल निज स्वास समीर प्रचंड जग विभीषण राखे हो दीनौ राज जो संपच्छिव रावण ही दीन दिए दस मात सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ छाण बजे जे आना ते नर पश बिन पूछ पिछाना निर्जन जान काही अपना वा प्रभु स्वभाव कवि कुनि सर्वज्ञ सर्व उदासी सर्वरूप सब रहित उदासी बोले वचन प्रभु तुमार कुल कुल दी कहाँ उपाय विचार बिन प्रयासा कर रही सकल भार सखा कही तुमने को पाई करी देव जो हो सहाई मंत्र बाबा राम चरण सुन नाथ दैव कर कवन भरोसा सोचिए संत करी मन रोसा काजर मन कौ धारा दैव दैव झट बोले रघुबीरा कैसे करो धरो धीरा जो हमारा हर नाता काना ते गोदला नीच के आना सुन लच मन सब
बात बहोरी जिनके की भई भेंट फिर गए चवन सुजत मोर नाथ कृपा कर पूछो जैसे मानो कहा तो जैसे मिला जाए जवन तुम्हारा जाते राम जयपुर देव हर चौ सतोरा सकल कपिन माते कल धोरा रावण का दूत बता रहा है। रावण पूछने लगा बताओ वहां की सेना कैसी है, तो हनुमान तो दूत ने रावण को बताया कि जो यहां बंदर आया था मैंने जाकर के जो वहां देखा तो वो बंदर सबसे छोटा बंदर था, बाकी सारे बहुत बड़े बड़े हैं। दिविध मयंद नील नल अंगद गद विकटास तदमुक्के हर निसत सथ जामवंत बलरा एक सब सुग्रीव समाना इन संकोटिन कनई पलाना असमय सुना शवन सकंदर पदुम उठा झूठक बंधन परम क्रोध में जय सहा था आयुष पैन दे हिरक ना था तो कै संज सहज वीर कर वचन तिहाई सागर सन खानी मचलाई मोर मिठा का घर की बड़ाई रिपुवन भूदिताई सचिव सभी विभीषण जाके विजय विभू कहा जगता के सुनि कर वचन दूत ऋषि बाणी समय कोमल रघुवीर स्वभाव यद्यपि अखिल लोक कर मिलत कृपा तुम पर प्रभु करहि मोर अपराध नहि जनक सुना रघुनाथ ही दी जय इतना कहा मोर प्रभु की जय जब ते कहा बैन वैदेहि चरण प्रहार रावण के दूत को रावण ने लात मार करके निकाल दिया और दूत ने भगवान की शरण ग्रहण करी और मुनि का
जो जीव अपने कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है वो राक्षस ऋषि बन जाता है। ऋषि बन करके वो अपने आश्रम की ओर पधारे। इधर भगवान 3 दिन का उपवास किया लेकिन समुद्र ने कोई उपाय नहीं बताया। विनय न मानत जलधि जड़, कई 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन हो हिन पी। भगवान खड़े हो गए समुद्र के तट पर और लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण धनुष बाण लेकर के आओ, अभी मैं समुद्र को सोख लूं। ज्ञान कहानी अतलोही सन कृतानी को कहानी हर गाथा। जैसे ही प्रभु ने शर संधान किया पूरे जल समुद्र में खलभली मच गई। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मी मन के मन भावा, तड़पने लग गए। समुद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके मणि का थाल हाथ में लेकर के भगवान के शरण में आया। मकर उरक झक गन अकुला में जरत जा तो जल जाकर के स्तुति गाई। सभय सिंधु कहि पद प्रभु तेरे, समहु नाथ सब अवगुण मेरे, गगन समीर तनय जग धरणि, प्रभु भल की न मोहि सिख कीनी, मर जाता पुने तो मरी कीनी, भोल गवार भोल सकल ताड़ ना के अधिकारी, प्रभु प्रताप में जाप सुखाई, उतरई कटुक न मोरी बनाई, प्रभु आज्ञा अपे छुति गाई, करौ सबे स्तुति गाई। भगवान प्रसन्न हो गए। सुनत विनीत बचन अति कह कृपाल मुस्कान, जहि विधि उतरे कपि कटक सासु कह। जब भगवान ने पूछा बताओ मेरी पूरी सेना कैसे पार उतरे, तब समुद्र हाथ जोड़ करके बोला, नाथ नील नल कपि दौड़ाई, तिनके परस किए गिरिभारे, मैं पुनिपुर हरि प्रभु प्रभु ताई, करियहु वर अनुमान सकल चरित कही प्रभु ही सुनावा, चरणों में प्रणाम करके समुद्र
अपने निवास स्थान की ओर प्रस्थान करता है, जय जयकार करता हुआ आया था। पहले अभिमान कर रहा था, भगवान की शरण ग्रहण करी, बुद्धि पलट गई, जीवन आनंद से भर गया। तेरे दर पे आके जिंदगी मेरी लड़ खड़ाती संभल गई। तेरे दर पे आके जिंदगी मेरी लड़ खड़ाती संभल गई। प्रभु तेरी नजर का कमाल है, प्रभु तेरी नजर का कमाल है। मेरी बिगड़ी किस्मत संवर गई, प्रभु तेरी कृपा का कमाल है। बिगड़ी किस्मत संवर गई, प्रभु तेरी ज्योति में वो कमाल है, तेरी ज्योति में वो कमाल है। जिसका राज पाना मुहाल है, जिसका राज पाना मुहाल है। जले जिस मकां पर ज्योति तेरी, जले जिस मकां पर ज्योति तेरी। वहां मौत करवट बदल गई, प्रभु तेरी कृपा का कमाल है। अब सुन ले प्रभु मेरी दास्तां, अब सुन ले प्रभु मेरी दास्तां। मुझे नहीं जहां से कोई वास्ता, मुझे नहीं जहां से कोई वास्ता। मैंने सर को दर पे झुका दिया हूँ, मैंने सर को दर पे झुका दिया। मेरी दुनिया सारी बदल गई, प्रभु तेरी नजर का कमाल है। मेरी दुनिया नजर का कमाल है, सब तेरी नजर का कमाल है। निज भवन गव में उसे रघुपति ही यह मत भाय, यह चरित भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गना तज सकल आस भरोस का। सुनहि संत सत तज सकल आस भरोस का। सुनहि संत सत रोस गावहिं। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। समस्त आशाओं को छोड़ करके भरोसे के साथ जो नर नारी भगवान की कथा का श्रवण करता है, तजी सकल आस भरोस गावही। सुनहि संतत सठ सुंदर कांड के अंत में यह सूत्र दिया, भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा, जीवन में आनंद ही आनंद हो जाएगा। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहिते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलिकलश विध्वंसने विमल वैराग्य संपादनानां पंचमः सोपान समाप्तः, श्री सुंदर कांड समाप्तः, श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु। बोलिए रामचंद्र भगवान, श्री हनुमान जी महाराज, सद्गुरुदेव भगवान। ओम नमः पार्वती पतये हर हर।